लेकिन आज के संतों ने ऐसा माहौल गंदा करके रख दिया है, कुछ संत ऐसे पैदा हो गए हैं। तो ये प्रोग्राम यानी इसका नाम है ढोंगी साधु। अरे राम भैया, बड़ी गरीबी सी मालूम पत्ते आ रही है मेरे ऊपर, तो चलूं देखूं को महात्मा मिल जाए तो कहूं महात्मा अपने हाथ दिखा देंगे। और इस सामने को बाबा दिखाई दे रहा है। अरे बाबा सियाराम, सियाराम बच्चे, सियाराम बच्चे, सियाराम। बाबा कहिए बच्चे, क्या बात है? बाबा बैठ जाऊं ना मैं तुम्हारे पास? क्यों नहीं बैठो, आओ बच्चे। बाबा। हाँ बच्चे कहो। तुम कछु जानते हो ना का? हम सब जानते हैं बच्चे, आपका कहने का मतलब क्या है? बाबा मेरा मतलब ये है ना कि जब चिलम है तुम बंद कर ले तो एक बात बताऊं मैं तुम। अरे ये तो संतों की दवा होती है बच्चे। जी चिलम? चिलम। अच्छा तो जाइते तुम्हें दिखते फिल्म? हाँ इसी से दिखती है बच्चे। अच्छा हले बम बम लग रही है दम, तुझे धोखा ना मुझे गम, चलिया क्षमा छम, बम बम पहले गुरु बाद में हम, धरती सबका पेट भरती, सच्चे का बोलबाला, भूखे का मोह काला, नरब दे हमको बाजरा, भैंसन को करब दे। बाबा ये बच्चे। बाबा कहो। बाबा मैं बड़ा दुखी हूँ। किस बात से? मेरी बात सुनो बाबा। कहो बच्चे क्या बात है? अरे बाबा। बाबा। हाँ बच्चे। अरे बाबा मेरा देखो हाथ ऊपर है, मुँह पे संकट भारी बा। बाबा मेरा देखो हाथ ऊपर है, मुँह पे संकट भारी। बाबा। हाँ बच्चे। मेरा हाथ देख के बताओ, मुँह पे पड़ो संकट पड़ो बाबा। अच्छा हाँ मैं अभी तेरा हाथ देखता हूँ। मो पे दाम घनेरो आब तुए। मो पे दाम तो बाबा बहुत आब तुए, लेकिन चलो जा तो रुकत ना है। अच्छा हाँ मो पे दाम घनेरो आब तुए, मेरे हाथ में ना डटी पाव तुए। मेरे हाथ में डटी पाव तुए। और बाबा हाँ मोहे सही बताइयो बात परो है, मुँह पे संकट भारी बा। बा मेरा देखो हाथ परो है, मुँह पे संकट भारी। बाबा ओ बाबा। हाँ बच्चे। अरे बाबा मैं तुम्हारे पाए छू बाबा, अगर मेरे संकट मिटाए दे बाबा। ये संकट वाली बात है बस। हाँ बाबा। बाबा मेरा देखो हाथ ऊपर है, मुँह पे संकट भारी। और बाबा। हाँ बाबा मुँह पे विपत्ति घनेरी है। क्या विपत्ति? बहुत बड़ी परेशानी में फंसा हूँ बाबा मैं। चिंता मत करो। बाबा मे पे विपत्ति घनेरी है, घाटे में गाड़ी मेरी है। क्या आप परेशान हो? हाँ बाबा बड़ी घाटे में गाड़ी पड़ गई है मेरी बाबा, घाटे में गाड़ी मेरी है। और बाबा। हाँ बच्चे। मुँह पे रूठे भोले नाथ परो है, मुँह पे संकट भारी बा। बा मेरा देखो हाथ परो है, मुँह पे संकट भारी। बाबा मेरा देखो हाथ परो है,
से। बाबा देखो मेरा हाथ देख लो ना एक बाबा, मैं तेरी अभी हस्तरेखा देखता हूँ। और बाबा सही सही बताइयो मेरी हस्तरेखा में कहाँ लिखो है। चिंता मत करे बच्चे, देखो बाबा मैंने बड़े बड़े जतन कर ले लेकिन मेरा सपना बाबा कैसे उनाए पड़े। अच्छा मैंने करो जतन बहुत देर हो है, मैंने करो जतन बहुत देर हो है और हिल्लो परे न मेर हो है। और हिल्लो परे न मेर हो है। और बाबा तुम मुझे बहुत दुखी नजर आ रहा है। ओए बरस बीत गई बाबा। हाँ हाँ कहो। मोए बरस बीत गई सात परो है मुँह पे संकट भारी। वा वा मेरा देखो हाथ परो है मुँह पे संकट भारी। बाबा मेरा देखो हाथ परो है मुँह पे संकट भारी। वा वा मेरा देखो हाथ परो है मुँह पे संकट भारी। बाबा हाँ बच्चे ले मेरे हाथ देखो बाबा, मैं तेरी हस्तरेखा देखता हूँ बच्चे, तू किसी बात की चिंता मत कर। हाँ बाबा तो बताओ मेरी हस्तरेखा में कहाँ लिखो बाबा। मैं सत्य सत्य बताऊंगा तेरी हस्तरेखा देख करके। तो बाबा तुम भी काज भगवान बन गए। बाबा ने कहा हाथ देखो बाबा। देख रहा हूँ बच्चे तेरी तो भाग्य रेखा बहुत तेज है, बहुत ही बुलंद है। अरे चेला फक्कड़दास का है मेरे गेरू जी। और ये बच्चा बहुत दुखी नजर आ रहा है। तो मुंह पे कछु ना सोजे सुखी कछु गेरू जी, पहले आऊं जब मुंह परी। अबे फक्कड़दास क्या खुशकी करता है। अरे मेरी सुन, इस बच्चे के दुख को दूर करते हैं हम अभी। मोदो डंडा मान दूरी करता हूँ। अबे शांत रहे फक्कड़दास, सुन बच्चे मेरी बात को। बाबा जी तुम्हारा चेला तो बहुत मक्कार हुए। मक्कार नहीं अभी ये नादान है नया है। बाबा तुम मेरे देखो जा हाथ की रेखा। देख रहा हूँ बच्चे सुन तेरी। बाबा देखो ना बच्चे परेशान मत हो, सुन तेरी रेखा तो बहुत ही तेज है। तेरी किस्मत बड़ी बुलंद है बच्चा सुन बात हमारी। ए तेरी किस्मत बड़ी बुलंद है बच्चा सुन बात हमारी। बाबा क्या कह रहे, तो मेरी किस्मत है। तेरी भाग्य जो रेखा है हस्तरेखा बहुत तेज है। अरे बाबा मेरी किस्मत तो बिल्कुल फूटी फुटाई है बाबा। अरे तू मुझे लक्ष्मी पुत्र नजर आ रहा है। का मैं? हाँ। लक्ष्मी पुत्र तो हमारे सेठ जी हैं। अरे ना तेरी रेखा बता रही है सुन। ए बच्चा मती करे तू चिंता। बाबा इतनी चिंता रहते मुँह के रात दिन नींद ना आवत बाबा मुए। तेरी सब चिंता दूर हो जाएगी आज से। अच्छा बाबा। हाँ बच्चे। हे बाबा कुछ तो मेरे प्राण ही बच जाएंगे बाबा। बच्चा मती करे तू चिंता, तेरी सब बन जागी बनता। तेरा कट जागो सब फंद है हमारी। तेरी किस्मत बड़ी बुलंद है बच्चा सुन बात हमारी। और सुनता बच्चे। अरे बाबा हो तो तुम्हारी बात कहेंगे घूंट से ली लू बाबा। तेरी जो हस्तरेखा मुझे एक बात बता रही है। अच्छा बाबा कौन सी? हाँ। बता रही है बाबा ने बता दी मुझे। तेरे कुछ दिन में रंग ढंग बदल जाएंगे बच्चे। क्या मैं? हाँ। अरे बाबा अब तुम बाबा तुम ऐसे लग रहे हो जैसे भगवान। सुन मेरी बात। तेरे घर में माल गड़ोए। सुनता बच्चे।
तेरे घर में माल बड़ा हुआ है? हाँ बहुत बड़ा, एक खजाना गड़ा हुआ है मेरे घर में। हाँ ओ। तेरे घर में माल बड़ो है, वो धरती में देख गड़ो है, तू मत जाने चर चंद है बच्चा, सुन बात हमारी, तेरी किस्मत बड़ी बुलंद है बच्चा, सुन बात हमारी। और सुनता बच्चे बाबा, हाँ बाबा ने कहा पहले न बताओ बाबा, माल कैसे निकलेगो गढ़ोए थी माल? इसका उपाय भी मैं तुझे अवश्य बताऊंगा बच्चे। अच्छा जाको उपाय तुम पे हाथ बाबा। हाँ क्यों नहीं। अरे राम, हवन करा तू अपने घर में। का कराऊं का? हवन हवन। हाँ हवन की सौदा हम तुझे बताएंगे, वो ले आना। ठीक है बाबा। हवन करा तू अपने घर में, डटे लक्ष्मी हा पल्लू भर में, भाई सुनता है बच्चे? अरे बाबा सुन्नू बाबा सुन्नू। दरवाजे कर ले बंद है बच्चा, सुन बात हमारी, तेरी किस्मत बड़ी बुलंद है बच्चा, सुन बात हमारी। किस्मत बड़ी बुलंद है बच्चा, सुन बात हमारी, तेरी किस्मत बड़ी बुलंद है बच्चा, सुन बात हमारी। तो बाबा मुझे हवन करावनो पड़ेगो? हवन कराना पड़ेगा तुझे। तो बाबा तुम हवन की सौदा लिख दो जल्दी, और तुम कब आओगे बाबा सोमवार को? हाँ सोमवार के दिन हम और हमारा फक्कड़दास चेला दोनों आएंगे। ओ गेरू जी। कहिए फक्कड़दास। जापत किराए वाले को पैसा ले लिए? हाँ ले लूंगा, आप शांति रहो फक्कड़दास। आओ ले लूंगा मैं बाबा। कहिए बच्चे। लिख दो सौदा तुम जल्दी सोमवार। मैंने सारी सौदा इसमें लिख दी है, आप इस सौदा को लेकर के अपने घर पे रखना, और हम और हमारा चेला फक्कड़दास शाम को आ जाएंगे। सोमवार को शाम को? हाँ आ जाओगे? हाँ बाबा ठीक है। और किसी से कहना मत आस पास मोहल्ले में। काऊ तो नहीं कहूँ? हाँ शांति से रहना। नहीं कहूँ बाबा, मैं जा रहा हूँ बाबा। बाबा सियाराम। सियाराम बच्चे सियाराम। हे भगवान, अब तो मेरे घर में लक्ष्मी बाबा ने बताई है, बहुत निकलेगी बहुत। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। अब तो अपनी घरवारी जा के बताऊ मैं, और मेरो घर आएगो। अरे कहाँ गई? अरे कहाँ है, कहाँ घुसी है तू? अरे आ रही हूँ अभी, खोल रही हूँ किवाड़न ने। खोल जल्दी। हाँ ऐसा लग रहा है आज तुम्हें काफी मिल गई। चिंता ही मत करे, अब तो बस आनंद। अरे बड़े खुश नजर आ रहे हैं। का हैगो ने कि मुवा बता दो? अरे तुम्हें बता दे मु। सही में? अरे तू चिंता ही मत करे, मु तो कछु दुबक यो मत सवर हाल बता दियो। आज का भयो बता देंगो बिल्कुल। तू पहले ने कि मैं का पानी लिया? पानी ना, पहले वो बताओ का ऐसे तुम्हें कहा बीमारी आ गई खुशी की? एक खुशी ने की बीमारी होती है, बाबरी आ गई का तू? देख ले। देखो मु एक बात बता दियो। हां तू पहले बात पूछ, पानी बाद में पियिए मु। खुशी पत्का है गई प्यारे फूल के है रे गुब्बारे। पत्का है गई प्यारे फूल के है रे गुब्बारे। गुब्बारे तो सगड़ा ठेला को ट्यूब बनेगा आता हूँ फूल के। भैया मेरे लगेगी भाई तक। वो तक दिख ही रहे तुम। देखो का कह रही तू? कही बेग बेग मोते कछु बात दबो कहियो मत। बिल्कुल ले तोते होगा दबो का बात। आज कल का जमाना बड़ा चाल आके भेद ना मोते दुब कहियो। बिल्कुल रत्ती भरे ना दुब का बनो, वो तो पहले के आदमी बाबरे।
सो भैया ना बता देते, घर वाली नहीं बतावते। जाई मारे तो कह रही हूँ। बिल्कुल, और काबू बतावन ने तू ये बताऊ मुझसे करो। भेद ना मोते दुब कहियो, बलम नेक मोकू समझियो। मुझे ऐसी खुशी मिली है, ऐसी ऐसी कछु पूछे मत तू। ऐसे खुद तो भक्त को भगवान ना हो तू। अरे मुझे भगवान ही मिल गया, नो मान के चल तू। अच्छा कई किस्म तो मुझे जी बता दे, तुम आए कहाँ से रहे हो? अरे बता देंगे तू हो कहाँ से आ रहे हूँ। अब का मुझे खुशी के माय में तरवा धरती पे लग रहा हो। अच्छा कहाँ से तुम सैया आए? ऐसी कहाँ चीज मिल गई तुम्हें? वो ऐसी चीज मिली है, ऐसी चीज है तो न्यों समझ ले कि बस आनंद ही आनंद है जाएंगे जिंदगी भर के, तू बेफिक्र मत रहे। अरे हम तो वैसी दुख गरीबी के मारे भये, ऐसी का खुशी मिल गई? अब गरीबी ठाड़ी रहेगी माँ समोसा वादा भाई चौड़ाई पे। कहाँ से तुम सैया आए, चीज का अनहोती लाए। कहाँ मिल गए बंसी बारे, फूल के है रे गुब्बारे। खुशी पतिका है गई प्यारे, फूल के है रे गुब्बारे। अब सुनती है तो बता देंगे ऐसी खुशी मिली है कोई बतिया मेरो। ऐसे खुश तो मैंने कबहू ना देखे। मजा बता देंगे तो हूँ कबहू ना देखे तुम ऐसे। अरे कबहू ना देखे तुम ऐसे, आज तुम खुश है रे जैसे। तो जैसे तुम्हें धन को भंडारो मिल गए हो। ए भंडारो? हाँ भंडारो नो देखिए, यो समझ ले कि भंडारो भली के पूरे हिंदुस्तान को माल में अंटी में लगो। अच्छा तेई सो तुम वो बता दो ना। बाल बतावा तुम चिंता ही मत करे तू। मिलेगा तुमको भंडारे फूल के ऐसा करे के बाद दे ले हो तो भीतर बैठ के बताऊंगो चुपचाप। ऐसी बात है? और पहले लिया मुंह को पानी। अच्छा कई सब बेजा जोर की प्यास लगी। लाओ किवाड़ दिया हूं। हाँ। और पानी लिया हूं। जंदी ला। अब ही लाई। हाँ लिया बे। अब जब बताऊं सही सही बात ले आई पानी। हाँ लियो मुए दे पी लो। ले जा गिलास ढक दे। अब सुन ले मुए कहा मिलेगा वो। आज हो ऐसो गयो घूमत घूमत और कहाँ पहुँचो देख। तुम ऐसे हलोले बतरा रहे जैसे चोरी करके लाए हो। अरे हाँ चोरी काउ की ना करके लाए हो। सुने मेरी बात। के बन गयो काम। कैसो बन गयो? अच्छा बन गयो के बन गयो काम। सुने मेरी प्राणन प्यारी के बन गयो काम। सुने मेरी प्राणन प्यारी के बन गयो। सुन रही है? सुन रही हूँ देख रही हूँ। अरे तू देख जोते तो बोले मत कुछ सुन सुनाए ले गो तो ही अकेली बता रहा हूँ। के बन गयो
ए बन गयो काम सुन मेरी प्राण ने प्यारी के बन गयो काम सुन मेरी प्राण ने प्यारी देखे आज कहाँ गयो हूँ कहाँ गए तुम्हें बताओ चलो जा रहे हो एक डोंट डोंट सीधी सड़क है अच्छा तो मु एक मंदिर मिलो ठीक है और वह मंदिर पे का भयो एक बाबा मिल गयो मुझे ठीक है और देख फिर मैंने बाबा के जोरे गयो तो बाबा की धुनी चल रही चलो मैं चल रही और हो जाए के चुपचाप बैठे गो मामा जाए करो अरे बात तो सुन ले बाबरी अच्छा बावन के जोरे बहुत कछु मिनतु है कहा मिल गयो ले तू मालूम ना रामायण में लिखी है गोस्वामी जी ने तो पता है कहाँ लिख रही है भगवान कह रहे हैं कि जो संत वचन कह देंगे वो पत्र की लीक बन जाती है अच्छा हाँ बताइए कैसे ऐसे बताइए देख सुने मोरा वचन चाहे पर जय पीका संत वचन पत्थर की लीका अब्बा बाबा के जो रहा हूँ बैठे गो पांच हुए मैंने जाके बाबा के बच्ची रम धारी के हाँ और देख का भयो बाबा मैंने हाथ दिखायो बने घर में मालू बतायो बाबा मैंने हाथ दिखायो बने घर में और गड़ो है घर में दाम अपने घर में निरो दाम गढ़ो निरो लक्ष्मी निरी दौलत अच्छा हाँ गड़ो है घर में दाम सुन मेरी प्राण ने प्यारी के बन गयो काम सुन मेरी प्राण ने प्यारी बाबा ने मुझे बताई कि बच्चा तेरी तो हस्तरेखा में इतनी दौलत है तेरे घर में दौलत इतनी गढ़ी है मैंने की बाबा कैसे निकलेगी तो बाबा ने मुझे इंतजाम बताया हुआ सुन ले काऊ ते कहे मन दियो मत जाओ अरे कोई ठगिया तो ना है मैं ठगिया कैसा बढ़िया बाबा ने ऐसी बातें बता रही मुझे डरी सी चलो ठीक है और क्या बतायो बुआ बाबा घर आवे गो सब दौलत खुद लावे गो बुआ बाबा घर आवे गो सब दौलत खुद लावे गो और बनो है बुआ बाबा राम मेका तो वो बाबा राम बन गो भगवान तेरी सा मैं तो एक आध घंटा तो वह बाबा के गोड़ मत सके बनो बुआ बाबा राम सुन मेरी प्राण ने प्यारी के बन गयो काम सुन मेरी प्राण ने प्यारी और देख अब तो भाग्य खुल गए चिंता मत करे जो इतनी दौलत मिल गई भगवान ही मालिक जन कैसे भाग्य खुलेंगे हमारे अब भगवान है तेर रज्जा होने करो वो बाबा भगवान हुए अरे तो भगवान हो तो मालिक खुद ही न ले जाता हो तुम्हें काहे को बता दो हमारे घर में गड़ी है बाबरी है ही का तू अच्छा वो जो इतनी लक्ष्मी निकल आई तो चिंता मत कर पहले तो एक बुलेंगे कहा हुई कहा मज्जा बुलेंगे एक बढ़िया सी मार्शल अच्छा मार्शल मैं ठीक है तुम धने निकालो कैसे निकालेंगे अरे देख तू निकलेगी अब मुझे तो भरोसा हो सुन ले बाबा के ऊपर सुन ले सुना दो खोल गए अब भाग्य हमारे है जाए अब पैसा बारे खोल गए अब भाग्य हमारे अब है जाए पैसा बारे और अचमो माने गाम गाम जो कह कर ये देख ले बी हाई पी एक लंग तू बैठ जाओ करिए और हाँ चला के ले चले वो करेंगे ठीक है
हे भगवान जन का हो गो जा घर में। अरे देख तू अचंबो माने गाम सुन में प्राण ने प्यारी के बन गयो काम सुन में प्राण ने प्यारी। और सुनइए सुनी रही हूँ बैठ के मरी आई तक लग लगती आजा कोई सुन नहीं ले दे के भीते ने क्यों कान होते हैं। अच्छा हाँ तो अब सुनाओ। हाँ धीरे धीरे सुन ले आज मुर्गा खसी को पार हुआ 23। अब है जागो सर्रातो सीधा गाम में हुई भर्रातो आरी बोहरो पर जय नाम। अब तुम यो नाम बोरो पर जागो बोरो बोहरो पर जय नाम सुन में प्राण ने प्यारी के बन गयो काम सुन में प्राण ने प्यारी के बन गयो काम सुन में प्राण ने प्यारी। सुन ली मैंने कहा कही तोते तुमने बाहर कहियो बड़े ठगिया डोलते। अरे तू बावरी ना है गई ठगिया कहूँ ना धरे वो तो बहुत बढ़िया बाबा। अरे बावरी में ना है बावरी तुम बना दे बट ठुल्ला बाबा ने ठुल्ला नाम हुआ कब मेरू जोर आयो ठुल्ला। हाँ। मत जब तो मैं ही सवेरे गए ना मेरा मुख कत कुल्ला तो कब भाई के जोरे पहुँच गए। ए बाके जोरे होना का वो तो बोरा बंदी झूठ बोन तू है। अच्छा हो कहे जा तू बाके जोरे वो तो बहुत ही बढ़िया महात्मा जोरे गो। अरे भेस बदल लो हो गवानी तू मानो मेरी कहूँ खजाने ना गड़े। अरे बहुत सिद्ध पुरुष हुआ 23 उरी वो सिद्ध पुरुष चिलम पी के सिद्ध पुरुष। अरे तो बाबा ने कह दिया तो काम है। अच्छा एक बात बताऊं। हाँ बतावे। कोई ठगिया होएगा हाय काकरी ठगिया बे गुना ठगिया ने कहू तो बेजहा बढ़िया महात्मा। देखो मान जाओ मेरी बात कोई ठगिया होएगा साधु बन तुम भरमाए दे है। सुन लियो सुन ना हूं ना घर में घड़े खजाने तुम बलम से हाय रे खजाने मुकदमे मिल गए हैं। अच्छा 2300 एक बात और बताऊं ऐसा साधु होता तो पहाड़ पर जाके तपस्या कर रहे हो तो। अरे मज्जा साधु ऐसे ऐसे तो बताऊं कि ऐसी बात बता देता हूँ वो सत्य होती है। अरे तुम हमें बात ना मानेंगे कोई ना ऐसा साधु बलम सवाधु कोई नाई ऐसो साधु वो होए गो बलम सवाधु करे जाए गो तुम पे जादू। हाँ करे जाए गो तुम पे जादू तू देख जमाने ठीक कह रही है साधु जा जमाने में सवाधु बहुत है पर लेकिन वो बाबा ना सवाधु है। देखो मेरी एक बात मान लियो। कहा मान लो बता। अपने पड़ोस में गुप्ता जी रहते हैं। हैं? हाँ वो हमारी भाभी जी ते बिना कछु पूछे कछु ना करते तो मजा हो तो तोते बिगड़े पूछे टट्टी ऊपर ही बिना जा तू
तुम्हें बात मान लो। राजा मेरो कहनो मानो मत अपनी अपनी तानो। सुनयो सुनऊ सुनऊ के राजा मेरो कहनो मानो मत अपनी अपनी तानो। मेरी बात सुन लेने का। बात ही सुनिए मैंने। तू का कह रही है? यूं ही कह रही मेरी बात मान जा अब साधु ना सवाद। अरे तू मेरी बात मान जा। देख नेक दिनन में होते पैसा भाई माल गारंटी से निकलेगा हमारे घर में गारंटी की माल में। अच्छा कही तो चलो देखूंगी। और बेटा तेरी एक बात साची है हुए। कौन सी? कह रही के साधु ठगिया होते हैं। बिल्कुल होते हैं। क्या हो जानता हूँ खूब के तिलक छाप और मीठी बानी और ठगा ठाकुर की यही निशानी। जो जान समझ लिए तिलक लगाए होते पक्को मीठो ठगु है पर वो बाबा तो बेजी बढ़िया है। देखो जो जान तो का वही ठगा जानतो है। सैया तुम